यूपी में योगी सरकार के 15 दिन पूरे हो चुके हैं। इन दो हफ्तों में मुख्यमंत्री योगी ने बिना कैबिनेट की बैठक बुलाए ही ऐसा लग रहा है जैसे पूरे उत्तर प्रदेश पर कंट्रोल कर लिया है। महिलाओं की सुरक्षा से लेकर गायों की सुरक्षा तक और किसानों की मदद से लेकर नौजवानों के लिए रोजगार तक योगी सरकार ने कई अहम मोर्चों पर कंट्रोल कर लिया है। महिलाओं की सुरक्षा से लेकर गायों की सुरक्षा तक और किसानों की मदद से लेकर नौजवानों के लिए रोजगार तक योगी सरकार ने कई अहम मोर्चों पर काम करना शुरू कर दिया है। अब तक योगी सरकार 100 से भी ज्यादा फैसले ले चुकी है। बताते हैं आपको यूपी में बीते 15 दिनों में क्या कुछ किया गया है और अगले 2 महीनों में क्या करने वाली है योगी सरकार। पुचकार से फटकार तक एक्शन से संस्कार तक कभी सख्ती कभी मेहरबानी अजब योगी की गजब कहानी योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने 15 दिन हो गए हैं और इन 15 दिनों में योगी सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। यह श्रावस्ती का इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां डीएम के आदेश पर औचक निरीक्षण का काम चल रहा है। जांच अधिकारी जब अचानक अस्पताल पहुंचे तो वहां अफरा तफरी मच गई। जांच टीम ने पहले तो अस्पताल में साफ सफाई का जायजा लिया लेकिन चारों तरफ गंदगी का नजारा था। जांच टीम में श्रावस्ती के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट सौरभ दुबे भी शामिल थे। उन्होंने अस्पताल में मरीजों से बात की, उन्हें मिल रही दवाओं की पड़ताल की, पानी का बंदोबस्त चेक किया और स्टोर रूम में जाकर वहां मौजूद चीजों की जानकारी ली, लेकिन ज्यादातर मामलों में अस्पताल खस्ता हाल ही साबित हुआ। डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि दवाओं का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक से मेंटेन कहीं ना कहीं कमी पाई गई है, तो उसको सुधारने के लिए कह दिया गया है, वेतन नहीं मिल रहा है बहुत ही है। दरअसल इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली की शिकायत मिलने पर डीएम ने 2 सदस्यीय टीम गठित की थी जिसने अस्पताल जाकर एक एक बंदोबस्त की बारीकी से जांच की। पूछताछ के दौरान कई मरीजों और उनके परिजनों ने जांच अधिकारी के सामने शिकायत रखी। किसी को दवा नहीं मिलने की शिकायत थी तो किसी का कहना था कि अस्पताल में डॉक्टर और कर्मचारी वक्त पर नहीं मिलते। जांच के दौरान टीम ने भी पाया कि नर्स रूम में कोई नर्स मौजूद नहीं थी, जिस पर अस्पताल के अधीक्षक को कड़ी फटकार सुननी पड़ी। जांच टीम ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 2 दिन में अस्पताल की सूरत नहीं सुधरी तो खैर नहीं। दरअसल यूपी का सीएम बनते ही योगी ने साफ कर दिया था कि अब काम से कोताही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार के मंत्रियों अधिकारियों और कर्मचारियों को 24 घंटे अपने काम पर मुस्तैद रहने का निर्देश दिया था। हम यहाँ मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहाँ रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर ले। दफ्तरों में काम के साथ साथ साफ सफाई को लेकर भी योगी ने विशेष अभियान चला रखा है। सीएम की कुर्सी संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन का निरीक्षण किया था और वहां फैली गंदगी को देखकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई थी। उसके बाद योगी ने पुलिस थाने का भी दौरा किया, जिसके बाद से पुलिसकर्मी हर शनिवार अपने थाने की साफ सफाई में जुटे हैं। सीएम योगी सभी सरकारी दफ्तरों और स्कूल कॉलेज में पान गुटखे और तंबाकू के इस्तेमाल को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश सुना चुके हैं। योगी सरकार ने राज्य के शिक्षकों से कहा है कि क्लासरूम की सफाई सुनिश्चित कराना उनका कर्तव्य है और ये काम उन्हें पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। योगी सरकार ने पान और गुटखे को भी लेकर के सख्त तेवर दिखाए हैं और सभी अधिकारियों को साफ कह दिया है कि अगर उनके कार्यालय में पान और गुटखे के निशान मिले तो उनकी खैर नहीं। योगी सरकार की सख्ती का असर दिखना भी शुरू हो गया है, फिर चाहे वो सरकारी दफ्तरों की साफ सफाई हो या फिर दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों का ड्रेस कोड। अब यूपी के किसी भी कार्यालय में टी शर्ट और जींस पहनने पर कठोर कार्रवाई शुरू हो गई है।
सुल्तानपुर के मुख्य विकास अधिकारी ने अपर सांख्यिकीय अधिकारी को जीन्स पैंट पहनकर ऑफिस आने पर नोटिस थमा दिया है। शिक्षकों के लिए भी सख्त फरमान जारी हो रहे हैं। योगी सरकार के निर्देश के मुताबिक अब प्राइमरी स्कूल के टीचर मोबाइल लेकर क्लासरूम में नहीं जा सकते। योगी सरकार ने न सिर्फ अधिकारियों पर बल्कि सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर भी ड्रेस कोड लागू कर दिया है और उन्हें स्कूलों में फॉर्मल ड्रेस पहनकर जाने के लिए कहा गया है। एक और खास बात का फैसला किया गया है जिसमें शिक्षक क्लास के समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इससे पहले सिर्फ छात्रों को ही समय पर स्कूल आने और मोबाइल से दूरी बनाने का निर्देश दिया जाता रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब शिक्षकों को भी मोबाइल से दूरी बनाने और स्कूल में समय पर आने के लिए निर्देश जारी किया गया है। विजय मिश्रा के साथ अरविंद चतुर्वेदी, लखनऊ, इंडिया न्यूज। जी हाँ, ऐसे हो गई उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव की शुरुआत। यूपी की सत्ता संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों से कहा था कि वो हर वक्त जनता की सेवा के लिए तैयार रहें। राज्य के विकास के लिए सभी विभागों को भविष्य का रोडमैप तैयार करने को भी कह दिया गया था। अब ताजपोशी के 15 दिन बाद योगी बारी बारी से अफसरों की क्लास लगा रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई है शिक्षा विभाग से। योगी ने ली अफसरों की क्लास। दो हफ्ते की तैयारी का रिपोर्ट कार्ड। योगी सरकार के 15 दिन पूरे हुए तो पहली क्लास लगी यूपी के शिक्षा विभाग के अफसरों की। योगी ने अधिकारियों से पूछा, बताइए कैसी है आपकी तैयारी, कैसे करेंगे सूबे के शिक्षा बंदोबस्त में सुधार। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार को बने हुए 2 सप्ताह पूरे हो गए हैं। इसके साथ ही योगी ने अफसरों के कामकाज और उनके ब्लूप्रिंट की जानकारी मंगानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में आज शिक्षा विभाग के अफसरों की क्लास ली गई। इस क्लास में प्रमुख सचिव से लेकर सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हुए, साथ ही उन्होंने अपने कामकाज की प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। इस बैठक में यूपी के उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा और कृषि शिक्षा विभाग ने प्रेजेंटेशन दी। बैठक में विभागीय मंत्री, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों समेत इन विभागों के कई आला अधिकारी और विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये प्रेजेंटेशन बीजेपी के संकल्प पत्र के वायदों के मुताबिक ही तैयार की गई। शपथ लेने के साथ ही अगले दिन बैठक में योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया था कि जो भी अधिकारी हों वो बीजेपी के संकल्प पत्र को ध्यान से पढ़ें। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम, उसके अलावा सभी विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव स्तर के अधिकारी शामिल थे। योगी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आगे का जो भी प्लानिंग होगी वो संकल्प पत्र के अनुसार होगी और पहली कैबिनेट की बैठक में सभी अफसर इस एजेंडे के तहत अपनी तैयारी करके आए। यूपी के तालीमी बंदोबस्त को दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार पहले दिन से ही युद्ध स्तर पर काम कर रही है। परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए गए जिसका असर भी दिखा। परीक्षा केंद्रों पर नकल रोको अभियान चलाया गया जिसके तहत नकल के आरोप में सैकड़ों छात्रों और अभिभावकों को हिरासत में लिया गया। स्कूली परीक्षा के अलावा यूपी में भर्ती परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों पर भी योगी सरकार की सख्त नजर है। योगी ने यूपी पीएससी के चेयरमैन डॉक्टर अनिरुद्ध यादव को तलब किया। अनिरुद्ध यादव पर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने का आरोप है। मतलब साफ है, योगी सरकार यूपी में तालीम से लेकर रोजगार तक हर मोर्चे पर मुस्तैदी से काम कर रही है और इसके लिए राज्य के सभी विभागों की प्रेजेंटेशन ली जा रही है ताकि प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जा सके। इसके तहत सबसे पहले शिक्षा विभाग के अधिकारियों की क्लास ली गई। इसके बाद 6 अप्रैल को औद्योगिक विभाग की बारी है, 7 अप्रैल को कृषि विभाग, 8 अप्रैल को लोक निर्माण विभाग, 10 अप्रैल को समाज कल्याण विभाग, 12 अप्रैल को सचिवालय प्रशासन, 13 अप्रैल को पंचायती राज विभाग, 15 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग, 18 अप्रैल को आबकारी और खनन विभाग और 19 अप्रैल को गृह और सतर्कता विभाग का प्रेजेंटेशन होगा। योगी सरकार चाहती है कि 1 महीने के अंदर राज्य के सभी विभागों और दफ्तरों में प्लान ऑफ एक्शन की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली जाए ताकि उस रोड मैप के आधार पर राज्य के विकास को नई दिशा और रफ्तार दी जा सके। लखनऊ से अरविंद चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
दरअसल कोई भी नई सरकार जब सत्ता में आती है तो सबसे पहले कैबिनेट की बैठक करती है, लेकिन योगी सरकार ने अब तक कोई कैबिनेट बैठक नहीं की है। मंगलवार को सीएम योगी कैबिनेट की पहली बैठक करेंगे। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है, जिनमें सबसे खास है किसानों की कर्ज माफी का फैसला। बताते हैं आपको यूपी के किसानों को कर्ज से राहत की जरूरत क्यों है और योगी सरकार इनकी उम्मीदों को कैसे पूरा करने वाली है। योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक। किसानों की कर्ज माफी पर होगा बड़ा ऐलान। लगभग दो हफ्तों के इंतजार के बाद अब 4 अप्रैल यानी मंगलवार को यूपी की योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें बीजेपी सरकार राज्य में किसानों का कर्ज माफ करने की बड़ी घोषणा कर सकती है। सीएम योगी ने सोमवार को कैबिनेट मंत्रियों के साथ अलग से बैठक की, जिसमें मंगलवार को होने वाली कैबिनेट मीट को लेकर चर्चा की गई। बीजेपी ने जो यूपी चुनाव के दौरान वादे किए थे, अब उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। प्रचार के दौरान पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत कई नेताओं ने जोर शोर से कहा था कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में किसानों के कर्ज माफी का ऐलान हो जाएगा। इसलिए अब सबको योगी सरकार की उस पहली कैबिनेट बैठक का बेसब्री से इंतजार है। आपको बता दें कि बीजेपी ने चुनाव के लिए जारी अपने संकल्प पत्र में जो सबसे प्रमुख वादा किया था वो किसानों की कर्ज माफी का ही था। यूपी में करीब 2 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे किसान हैं जिन पर करीब 62,000 करोड़ का कर्ज है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने रविवार को वाराणसी में कहा था कि चुनावी वायदे के मुताबिक राज्य के किसानों का कर्ज जल्द ही माफ किया जाएगा। इसके लिए विभाग स्तर पर प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। राज्य सरकार ने ऐसे किसानों की पूरी सूची तैयार कर ली है, जिसे कैबिनेट की पहली बैठक में मंजूरी दी जाएगी। यूपी में इस वक्त कुल 2,30,00,000 किसान हैं। इनमें लघु और सीमांत किसानों की संख्या करीब 2,15,00,000 है। दरअसल सूबे के किसानों की हालत किसी से छिपी नहीं। पिछले 2 सालों से राज्य में कभी सूखा तो कभी बाढ़ जैसी कुदरती आपदाओं के चलते छोटे और मझोले किसानों की हालत काफी खराब हो चुकी है, जिन्हें जल्द से जल्द राहत की दरकार है। किसानों की कर्ज माफी के लिए योगी सरकार कई प्रस्ताव पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री के आदेश पर वित्त मंत्रालय उन सभी किसानों का हिसाब किताब देख रहा है जिन्होंने फसल उगाने के लिए कर्ज लिए थे। वित्त मंत्रालय लगातार विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रियों ने 19 मार्च को शपथ ली थी। आमतौर पर शपथ के फौरन बाद या अगले दिन मंत्रिमंडल की पहली बैठक होती है, लेकिन मौजूदा सरकार में ये बैठक 16वें दिन होने जा रही है। कैबिनेट बैठक में देरी की वजह से सवाल भी उठे और सोशल मीडिया पर ये चर्चा शुरू हो गई कि किसानों की कर्ज माफी का ऐलान करना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इससे सरकार के खजाने पर भारी बोझ आएगा। सवाल है कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए इतने पैसे कहां से लाएगी योगी सरकार। किसानों की 62,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी का असर यूपी सरकार के खजाने पर पड़ेगा, क्योंकि बैंकों को किसानों के कर्ज की रकम तो राज्य सरकार चुकाएगी, इसके लिए अतिरिक्त कर्ज की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए राज्य सरकार केंद्र से मदद मांगेगी। माना यह भी जा रहा है कि इस कर्ज पर लगने वाले ब्याज की माफी के लिए राज्य सरकार केंद्र से मदद मांगेगी। कृषि विभाग ने उन 1.5 करोड़ किसानों की लिस्ट तैयार कर ली है, जिनकी कर्ज माफी के लिए पैसा कर्ज के रूप में केंद्र से लिया जाएगा। हालांकि केंद्र इस कर्ज पर ब्याज कितना लेगा, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। दिल्ली से प्रफुल्ल श्रीवास्तव के साथ विजय मिश्रा, लखनऊ, इंडिया न्यूज। ये रिपोर्ट हमने आपको भी दिखाई। इसके अलावा आपको बता दें, किसानों की कर्ज माफी के अलावा योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई अन्य अहम मुद्दों पर फैसले लिए जाने की उम्मीद है। मसलन अवैध बूचड़खानों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और बिजली पानी रोजगार के लिए बड़ी तैयारी। योगी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिए इंटरव्यू में सरकार और पार्टी का इरादा साफ करते हुए कहा है कि वो सूबे के विकास और खुशहाली के लिए हर जरूरी कदम उठाने को बिल्कुल तैयार है। राम मंदिर पर बातचीत से बनेगी बात। अवैध बूचड़खानों पर और कड़ी कार्रवाई। योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों की कर्ज माफी के अलावा राज्य में अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई को लेकर भी और कड़ा फैसला लिए जाने की उम्मीद है।
पिछले कुछ दिनों में यूपी में कई अवैध बूचर खानों पर ताले लटक चुके हैं, जिससे राज्य में मीट के कारोबार पर खासा असर पड़ा है। योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस के मुखपत्र पांच जन्य को दिए इंटरव्यू में बूचर खानों पर की जा रही कार्रवाई को कानून संगत बताते हुए इसका बचाव किया। योगी ने कहा कि वो अदालत के निर्देश का ही पालन कर रहे हैं। सीएम बनने के बाद पांच जन्य को दिए गए पहले इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने राज्य में मीट की कमी के सवाल पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो शाकाहारी रहेगा वो स्वस्थ रहेगा, लेकिन मैं किसी के स्वास्थ्य को नहीं बदल सकता। संविधान में सबके लिए एक नियम निर्धारित किए गए हैं और हर व्यक्ति को अपने दायरे में रहकर काम करना होगा। पांच जन्य को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी ने किसानों के लिए भी अपना प्लान बताया। उन्होंने कहा गन्ना किसानों का बकाया फौरन मिलेगा, 14 दिनों के अंदर सीधे उनके खातों में भुगतान होगा और अगले 6 महीनों में 6 नई चीनी मिलें खोली जाएंगी। योगी की प्राथमिकता में बुंदेलखंड और पूर्वांचल के इलाके सबसे ऊपर हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी सबसे पहले बुंदेलखंड के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां वो राहत और मदद का ऐलान करेंगे। बुंदेलखंड में पानी की किल्लत को देखते हुए सीएम ने फौरन 47 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है, ताकि इलाके के लोगों को पानी की समस्या से न जूझना पड़े। योगी ने भरोसा दिलाया है कि जरूरत हुई तो बुंदेलखंड को और फंड मुहैया करवाया जाएगा। उन्होंने अफसरों को आदेश दिया है कि बुंदेलखंड की जनता और उनके पशुओं को किसी भी सूरत में पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने इंटरव्यू में योगी ने जोर देकर कहा कि पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड पर उनका खास ध्यान रहेगा। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की समस्या का समाधान निकालने में वो लगे हुए हैं और इसीलिए पहला दौरा बुंदेलखंड का कर रहे हैं। योगी बोले कि उनकी सरकार सूबे से रोजगार के लिए हो रहे प्लान को रोकने की कोशिश करेगी। सीएम योगी के एजेंडे में विकास सबसे आगे है। योगी के मुताबिक सभी जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली मिलेगी, इसके साथ ही गांवों को 18 घंटे बिजली दी जाएगी। साल 2019 तक पूरे यूपी को 24 घंटे बिजली देने का संकल्प है। सीएम योगी की चिंता नौजवानों के रोजगार को लेकर भी है। एजेंडा है कि यूपी में निवेश के अवसर पैदा किए जाएं, जिसमें बड़ी तादाद में रोजगार मिले। सीएम ने कहा है कि पहली बार यूपी में एनआरआई विभाग खोला जा रहा है, इसके साथ ही यूपी के अप्रवासियों को निवेश का आमंत्रण दिया जाएगा। सरकार नई औद्योगिक नीति बनाएगी और सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा। निवेश के लिए एक शर्त ये होगी कि 90% रोजगार स्थानीय लोगों को मिले। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना भी सीएम के एजेंडे में है। योगी पहले ही कह चुके हैं कि अपराधियों के साथ पूरी सख्ती दिखाई जाएगी और इसमें जो भी भेदभाव करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और हम लोगों ने कह दिया है, सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके वह तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। जहां तक राम मंदिर का सवाल है, तो इसके लिए योगी ने बातचीत से रास्ता निकालने की सलाह दी है। इंटरव्यू में सीएम योगी ने कहा कि राम मंदिर का रास्ता बातचीत से निकला तो अच्छा है। इस मामले में सरकार पार्टी नहीं है, लेकिन रास्ता निकालने के लिए सरकार जरूर कोशिश करेगी। इस इंटरव्यू में योगी ने विदेशी मीडिया में उनके बारे में छप रही खबरों पर भी अपना नजरिया साफ कर दिया। पांच जन में अपने इंटरव्यू में योगी ने मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर के विदेशी अखबार की आलोचनाओं का खुलकर जवाब दिया। योगी ने आगे बोलते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जो इस देश को खुशहाल नहीं देखना चाहते, और यही कारण है जिसकी वजह से ये नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। योगी ने कहा कि इस पूरी आबादी को ध्यान में रखकर ही योजनाएं बनाई जा रही हैं। जाहिर है विदेशी मीडिया और सोशल मीडिया चाहे जो भी कहे, पर योगी सरकार अपने संकल्प पर कायम है और उसे पूरा करने के लिए सरकार जी जान से अपने मिशन में जुटी है। लखनऊ से विजय मिश्रा और अरविंद चतुर्वेदी के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। जी हाँ, जो सवाल खड़े कर रहे थे उन्हें जवाब देने के लिए योगी बन चुके हैं कर्मयोगी, और काम बोल रहा है और इसलिए असर भी नजर आ रहा है, बदलाव की तरफ बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। और इसी रिपोर्ट के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश